Hey everyone, this is Dilip Patel. I am the winner for Uber of the Mr. India 2018, and I am also the winner for Mr. Landscape India 2019. जी दिलीप जी, सबसे पहले हम आपके बारे में बात करें तो लाइक आप लाइक मॉडलिंग की दुनिया में लाइक एक पहचान हासिल की है थ्रू दिस कॉन्टेस्ट, तो इसके लिए आपने किस हिसाब से तैयारी की? लाइक सबकी फैमिली पहले तो अलाउड नहीं करती फॉर मॉडलिंग, इवन सेम मेरी फैमिली भी थी, दे वर लाइक तू पढ़ाई कर तू जॉब कर, बट आई वॉज ऑलवेज पैशनेट अबाउट मॉडलिंग. सो बट फॉर देम आई कम्प्लीटेड माई स्टडीज, आई डिड एन इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल फील्ड, बट उसके बाद आई केम इन टू दिस फील्ड एंड देन आई गेव एन ऑडिशन फॉर रूबरू मिस्टर इंडिया 2018 एंड लकीली आई एम द विनर फॉर 2018 मिस्टर इंडिया एंड दिस ईयर आई विल बी रिप्रेजेंटिंग आर कंट्री एट मिस्टर लैंडस्केप इंटरनेशनल विच इज़ बींग हैपनिंग फ्रॉम 9th of April टू 17th of April. लैंड्स इंटरनेशनली अपने आप को रिप्रेजेंट करना इंडिया के थ्रू, किस चीज़ का, क्या चीज़ आप सोच रहे थे कि जब आपको ऐसा मतलब सुनने में आया कि मैं इंटरनेशनल के लिए रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ अपनी इंडिया को, तो क्या चीज़, क्या खुशी की लहर थी, घर वालों ने को कैसे कन्विंस किया इसके लिए? लाइक जब मैं मॉडलिंग में एंटर किया, इट वॉज नॉट जस्ट कि यार मैं इंडिया का कॉम्पिटिशन जीतूंगा, आई विल ऑल्सो रिप्रेजेंट माई कंट्री इन सम इंटरनेशनल स्टेट, इंटरनेशनल कंट्री आई मीन, एंड आई विल मेक आर कंट्री प्राउड. बट From 1 year, I was waiting for this opportunity, and when I got to know that I have been selected for this competition, सबसे पहले जाके मैंने family को बताया. Family was so proud of me, like you have did it. It was one of your dream, कि you go out and represent your country, and I got this opportunity to fulfill my dream. And thanks to the Rubaru organization for this opportunity, and I hope I get the trophy for our country and make our country proud even in China. मॉडलिंग के अलावा आप ऐसी कौन सी ऐसी खास चीज़ है जो आप शौक रखते हैं अपनी ज़िंदगी में? आई एम ऑल्सो फिटनेस एंथुजियस्ट एंड आई ऑल्सो लव रीडिंग बुक्स एंड आई एम ऑल्सो पैशनेट अबाउट एक्टिंग. सो रिसेंटली आई हैव ऑल्सो डन अ गुजराती फिल्म नेम आशा विच विल बी रिलीज दिस दिवाली. जी एक्टिंग के बारे में बात करें तो काफ़ी सारी चीज़ें ना बहुत ध्यान में रखनी होती है, अपनी फिटनेस के बारे में बात हो, लुक्स के, तो इन सब चीज़ों के लिए तैयारी कितना कितना मुश्किल रहा आपके लिए? इट वॉज अ बिट टफ, क्योंकि जैसे आप ये इंडस्ट्री में न्यू आते हो तो यू डोंट नो व्हाट ऑल यू हैव टू टेक केयर ऑफ. तो धीरे धीरे आई स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ माई स्किन, माई बॉडी, माई हेयर स्टाइल, द वे आई वॉक, द वे आई कैरी माई सेल्फ, ईच एंड एवरीथिंग आई हैव बीन लर्निंग एंड ऑल दिस दैट आई हैव लर्न हैज कम लाइक इन अ गुड वे एंड ऑल दैट आई विल बी अप्लाइंग इन माई पेजेंट सो दैट आई गेट द विन फॉर आर कंट्री. तैयारी के बारे में बात करें तो लाइक फिल्म इंडस्ट्री में अपने आप को एक एक बोलते ना ठहराव रखना, वो भी एक बहुत टास्क होता है, तो क्या क्योंकि आपके फैमिली में कोई ऐसी इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करता, तो कभी आपने कोई चीज़ ऐसी सीखी या किसी को अपनी ज़िंदगी में ऐसे लेके आया कि मतलब मुझे क्या चीज़ें करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, कोई ऐसा? ऐसा तो मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या मूवीज़ जब देखता हूँ तो आई ट्राई टू गेट नॉलेज फ्रॉम देम कि इन्होंने ये कैसे किया रहेगा, हाउ डिड ही डू दिस, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, हाउ डू दे डिड, तो आई कीप स्टडिंग अबाउट देम एंड दैट आई कीप अप्लाइंग इन माई डेली लाइफ. सो वो मेरे को बहुत हेल्पफुल रहा है एंड होपफुली आई विल कीप लर्निंग, सो ये मुझे आगे बहुत फ़ायदेमंद रहेगा. जी हम आप गुजराती मूवी तो कर ही रहे हैं, या राइट, बॉलीवुड के बारे में कभी नहीं सोचा कि आपको मतलब बॉलीवुड मूवी में भी ट्राई करनी चाहिए? बॉलीवुड सबका ड्रीम होता है, मेरा भी एक ड्रीम है, बट मुझे स्टार्टअप कहीं से नहीं मिला. आई गॉट एन ऑफर फॉर गुजराती मूवी तो मुझे रिजेक्ट नहीं करना था, स्टार्टअप तो चाहिए पहले. सो आई गॉट दिस ऑफर फॉर गुजराती मूवी, सो आई डिड इट एंड आई विश टू वर्क इन बॉलीवुड सून एंड इट्स ऑल्सो माई ड्रीम, सो आई विल वर्क हार्ड फॉर इट एंड सून यू विल सी मी ऑन बिग स्क्रीन. कभी ऐसा मतलब बड़ी स्क्रीन से अलावा भी अभी जो छोटे पर्दे के जो डेली सोप्स होते हैं उसमें भी काफ़ी लोग आजमाना चाहते हैं अपनी किस्मत, तो आपको वो उसमें इंटरेस्ट नहीं है? इफ़ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी फॉर श्योर आई विल. आप जॉनर के बारे में बात करें तो किस जॉनर की मतलब मूवी करना आप पसंद करेंगे? आई वुड लव टू डू एक्शन मूवी. एक्शन मूवी, या हर एक एक्शन मूवी हर कोई एक इंस्पिरेशन रहता है. आपके लाइफ में कोई ऐसा मतलब विलन का करना है या एज अ हीरो, कोई ऐसे इंस्पिरेशन कोई हीरो या विलन है आपके लाइफ में? आई एनवी रणवीर सिंह, ही इज़ लाइक माय वन ऑफ द फेवरेट एक्टर एंड आई लव हिज मूवीज एंड लव हिज एक्टिंग एंड द लव ही एंड लव द वे ही ड्रेसेस अप एंड ही कैरीज हिमसेल्फ, आई जस्ट लव हिम. जी
आप अगर रोमांटिक मूवी करने का मौका मिले तो क्या वो पसंद करेंगे आप करना? श्योर, आई वुड लव टू डू इट. एंड किस किस डायरेक्टर के साथ आप करना पसंद करेंगे? आई वुड लव टू डू इट विद राजकुमार हिरानी. राजकुमार हिरानी, या क्यों क्यों उनके साथ ही क्यों? कि उनकी जो भी मूवीज देखी है, जैसे कि थ्री इडियट्स एंड जो भी उन्होंने अभी मुन्ना भाई, दे मूवीज आर टू गुड दैट ही कीप्स इन माइंड ईच एंड एवरीथिंग. लाइक इन्होंने संजू भी की थी, ही इज अ परफेक्शनिस्ट एंड आई विल लव टू वर्क विद हिम. अभी आप इंटरनेशनल प्रेजेंट के लिए जा रहे हैं, तो क्या चीज़ें अपने ध्यान में रखी कि मैं क्या चीज़ करूँ कि मैं इंटरनेशनल प्रेजेंट भी जीत के आऊँ? फर्स्ट ऑफ ऑल आई केप्ट अ क्लीन डाइट फॉर माई फिजिक, क्योंकि जब उधर बॉडी राउंड होते हैं आई डोंट वॉन्ट लूज कॉज ऑफ माई बॉडी, सो आई वर्क अ लॉट ऑन माई बॉडी. आई हैव बीन वर्किंग डेली एंड आई हैव बीन डाइटिंग, स्ट्रिक डाइट, नो चीटिंग इन माई डाइट, ईच एंड एवरीथिंग. आई हैव वर्कड ऑन माई फेस, आई हैव वर्कड ऑन माई हेयर स्टाइल, द लुक्स एंड एवरीथिंग. आई हैव इम्प्रूव माई वॉक एंड इम्प्रूव माई स्टाइलिंग टू गेट द विन फॉर आर कंट्री. ये चाइना में होने वाला है, राइट? तो कहीं नर्वसनेस है कि मतलब चाइना में इंटरनेशनल में अपने इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कुछ नर्वस है? थोड़ा सा नर्वसनेस है, बट आई एम श्योर आई विल, वंस आई गो देयर एंड वंस आई एम विद द अदर कंटेस्टेंट्स, आई विल बी ऑल गुड एंड आई विल वर्क हार्ड एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक आर कंट्री प्राउड. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पैशन. थैंक यू सो मच. आपके मूवी के बारे में क्या विशेष कहना चाहेंगे अपने व्यूवर्स को, क्योंकि अभी नेक्स्ट ईयर रिलीज होने वाली है, इस दिस ईयर? सो गाइस, आई हैव डन अ गुजराती मूवी नेम्ड आशा, विच इज़ अ फैमिली ड्रामा एंड द स्टोरी लाइन इज टू गुड. इट्स अ वेरी गुड फैमिली मूवी एंड वी हैव शॉट इट वेरी वेल. सो आई वुड लाइक ईच एंड एवरी वन टू वॉच द मूवी विच इज़ ऑल सेट टू रिलीज दिस दिवाली. प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इट्स माई फर्स्ट मूवी एंड इट्स माई डेब्यू फिल्म, सो प्लीज़ सपोर्ट गाइज. थैंक यू सो मच फॉर दिस. एंड मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगी, क्योंकि हर बॉलीवुड इंडस्ट्री में बात करें तो हीरोइंस का एक अलग ही इम्पोर्टेंस होता है हमारी इंडस्ट्री में, तो कौन सी ऐसी हीरोइन है जिनके आप अपोजिट आप काम करना पर चाहो? आई वुड लव टू वर्क ऑपोजिट कृति सेनन, कॉज उनकी रिसेंट मूवी जो देखी मैंने तो मुझे वो बहुत पसंद है. आई लव हर वर्क टू. रिसेंटली आपने ऐसी कौन सी मूवी देखी जो आपको मतलब लाइक दोबारा देखना चाहोगे ऐसा कोई? दैट वॉज साउथ इंडियन मूवी KGF, दैट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट मूवी नाउ. आई लव द एक्शन एंड आई एम ऑल्सो एंथुजियास्ट अबाउट एक्शन मूवी, सो आई लव दैट मूवी अलॉट. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.